गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी 19 बी वर्कशीट आई है। ए और बी दो हैं। ए में आपकी हिंदी है, बी में आपकी ईवीएस है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, क्लास लिखेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी यानी पैंडेमिक के दौरान हमने बहुत सी सावधानियां और नियम का पालन करना सीखा है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सावधानियों और नियमों को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है, सभी के जीवन को खतरे में डालते हैं, अनदेखा खुद करते हैं और जीवन सबका खतरे में डाल देते हैं। अगर हमें इस महामारी से जीतना है तो हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचने के उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। तो पहला प्रश्न लिखा है, ऐसे ही कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके बारे में एक एक पंक्ति अपने कॉपी में लिखिए। तो आप इसे क्या करेंगे, ये क्या है आपका, यह है आपका दो गज, अगज दो गज दूरी, ठीक है, दो गज दूरी, ठीक है। यहाँ क्या लिखें, यहाँ दूसरा क्या है आपका, ये है, इसे मैं पेन को मोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको लिखा दिखाई दे। ये क्या है, घर में रहें सुरक्षित रहें, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या है आपका, हाथ ना मिलाएं, है ना, दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, ठीक है। ये क्या है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, साबुन, तो क्या लिखें, हाथों को धोएं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट का क्या बचा, मास्क लगाएं, लिख लेंगे आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दिया गया है बच्चों, इन सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सही तरीके से मास्क का उपयोग करना, यानी जब हम लोग मास्क लगाएं तो बिल्कुल सही तरीके से मास्क लगाएं। नीचे दिए गए चित्रों को संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर लिखिए कि मास्क का प्रयोग किस प्रकार हमें करना चाहिए। तब देखिए ये क्या है, ये तो हाथ धोने का है, ठीक है, हाथों को अच्छे से धोएं, ये तो यही हो जाएगा। इस्तेमाल करने के बाद मास्क को डस्टबिन में डालें, ये इसका हो जाएगा। मास्क चेहरे पर लगाने के बाद मास्क को हाथ से ना छुएं, तो ये वाला हो जाएगा। एयर लूप को पकड़कर मास्क चेहरे से उतारें, ये वाला हो जाएगा। मास्क से अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकें, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सबके आगे सबका लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यदि हर सावधानी बरतने के बावजूद भी हम संक्रमित हो जाते हैं तो हमें किस प्रकार पहचानेंगे कि हम कोरोना संक्रमण हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए कि सब सारी सावधानियों के बावजूद भी हम बीमार पड़ जाते हैं और कोरोना में हो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोरोना संक्रमित हैं। तो लिखा है, कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। इन चित्रों की सहायता से लक्षण को पहचानें और उनके बारे में अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्या है, आपको बुखार आएगा। नंबर टू क्या हो जाएगी, आपको खांसी हो जाएगी। नंबर थ्री क्या होगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नंबर फोर क्या होगा, आपके गले में दर्द होगा। नंबर फाइव क्या होगा, आपके सर में दर्द होगा, है ना। तो ये पांच पॉइंट हैं, चलिए इनको कॉपी पे लिख के देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा, एक्टिविटी बच्चों है, हाँ बच्चों, अब आप सही प्रकार से मास्क पहनना सीख चुके हैं, इसलिए अब आप मास्क पहनकर विभिन्न चित्रण दर्शाते हुए वीडियो बनाएंगे और अपने अध्यापकों के साथ साझा करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप मास्क लेके एक वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे किस तरह से कान को जो उसकी इलास्टिक्स हैं उनको पकड़कर मुंह पे लगाना है, किस तरह से नाक मुंह पूरी ठोड़ी तक अच्छे से कवर करना है ना, किस तरह से मास्क लगाने के बाद उसे हाथ से नहीं छूना, ये सारी चीज़ें आप अपने टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं कि पहला क्या है, बुखार का आना, दूसरा है खांसी का होना, तीसरा सांस लेने में परेशानी,
चौथा गले में दर्द और पांचवा सर दर्द। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।